नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स की पाठशाला में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 7 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। मित्रों, इस वीडियो का PDF फाइल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ज़रूरी बात यह है कि मैं जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वह दो पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें 80-80 क्वेश्चंस होंगे, उसे भी आप ज़रूर देखें। अब आज का सवाल, आज का पहला सवाल है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 कितने कलाकारों को दिया गया? इसका आंसर होगा 42 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक से संबंधित टोटल 42 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया है। अच्छा, इस पुरस्कार को सेलेक्ट किसने किया था? तो इस पुरस्कार को सेलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया था, जिसके मंत्री महेश शर्मा हैं। और इसमें पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपया, 1 ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिया गया। अब हम रामनाथ कोविंद के बारे में जानते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। उनकी नियुक्ति जुलाई 2017 में की गई थी। इससे पहले वह 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल थे। अब हमारा अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय बैठक कहाँ होगी? इसका आंसर होगा वियतनाम में। वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले इन दोनों के बीच बैठक सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड में हो चुकी है। यह इनकी दूसरी द्विपक्षीय बैठक है। अब यह बैठक हो क्यों रही है? तो यह बैठक इसलिए हो रही है कि USA ने उत्तरी कोरिया पे परमाणु हथियार बनाने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गया था। इसी को कम करने के लिए दोनों के बीच यह दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा पुरास्थल राजस्व अर्जन के मामले में शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर होगा ताजमहल। ताजमहल भारत का वह पुरास्थल है जो राजस्व मामले में पहले स्थान पर रहा। भारत के संस्कृति मंत्री ने बताया कि 2015 से 18 के बीच राजस्व मामले में पहले स्थान पर ताजमहल, दूसरे स्थान पर आगरा का किला और तीसरे स्थान पर दिल्ली का कुतुब मीनार रहा। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा हैं। अच्छा, हम लोग तो जानते हैं कि ताजमहल जो है वह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन यह है कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अब हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करवाया गया है। यह नई दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में निर्मित करवाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस स्मारक का निर्माण स्वतंत्रता के बाद शहीद 26,000 सैनिकों की याद में किया जा रहा है। अब दिल्ली के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में दांडी यात्रा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और दूसरा है, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया है। अब हमारा अगला सवाल है, कहाँ पर 45 देशों के आध्यात्मिक शिविर से संबंधित एक विश्व विरासत केंद्र स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल के नादिया में। वेस्ट बंगाल के नादिया में यह विश्व विरासत केंद्र स्थापित की जाएगी। इस विरासत केंद्र में सभी देशों की संस्कृति, परिधान, जीवन शैली, खान पान से संबंधित चीज़ों को दिखाया जाएगा। अब यह वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यहाँ के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी हैं और लोकसभा की कुल 42 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अब कुछ यहाँ के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। हाल ही में 10 जनवरी को वेस्ट बंगाल सरकार ने खुद को आयुष्मान भारत योजना से अलग करने की घोषणा की। अब अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक
कार्य योजना तैयार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके सदस्य पशुपालक और डेयरी विभाग के निदेशक तथा राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य प्रतिनिधि भी हैं। अब हम पंजाब के बारे में जानते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर वीपी सिंह भदनौर हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अब यहाँ के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। पहला है कि पंजाब सरकार ने हुक्का बार पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, यह कुछ दिन पहले ही लगाया गया है। और दूसरा है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले सैन्य साहित्य समारोह का आयोजन किया गया था जो चंडीगढ़ में हुआ था। और तीसरा है, पंजाब सरकार ने डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। अब अगला सवाल है, इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना में सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जी सेट 31 इसरो द्वारा फ्रेंच गुयाना में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया उपग्रह है। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में गुयाना के स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है जी सेट 31। यह भारत का 40वां उपग्रह है। इस उपग्रह का उपयोग DTH ATM समाचार संग्रह में किया जाएगा। अब यह लॉन्च इसरो ने किया है तो हम इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। अब अगर इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ हाल फिलहाल में जो करेंट अफेयर्स हैं उसको जानते हैं। पहला है कि इसरो ने गगनयान मिशन नाम का एक मिशन शुरू किया है जिसके द्वारा दिसंबर 2021 तक 3 भारतीय को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और यह करने वाला यह दुनिया का 4था देश होगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में अपने देश के यात्रियों को भेज चुके हैं। दूसरा है, इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें वहाँ बुलाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्रकार से US के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, उसी प्रकार भारत के अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट कहा जाएगा। अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिख विरोधी दंगा से संबंधित एक SIT का गठन किया गया है, यह किस जिला से संबंधित दंगा का जाँच करेगा? तो इसका आंसर होगा कानपुर। जो कानपुर में दंगा हुआ था उसका जाँच SIT द्वारा अब किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिख विरोधी दंगा से संबंधित एक SIT का गठन किया है जो कानपुर जिला से संबंधित जो दंगा हुआ था उसका जांच करेगा। तो यह दंगा हुआ कब था? यह दंगा 1984 में हमारे भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या के बाद हुआ था, जिसमें देश के अलग अलग शहरों में सिख विरोधी दंगा भड़क गया था और कई सिखों को मार दिया गया था। तो यह जो SIT बनाई गई है इसमें कुल 4 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष यूपी के पूर्व DGP अतुल हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल राम नाईक हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और भारत के जिन 8 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है उनमें से उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ विधानसभा की कुल 100 सीटें हैं। अच्छा मित्रों, एक कल गलती हो गई थी कि कल मैंने विधान परिषद जो सीट बताई थी वह 101 बता दी थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आज सही बता रहा हूं कि विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या 100 है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और इससे पहले 21 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम वहीं पे वाराणसी में किया गया था। अभी 2 दिन पहले ही मनोज सिन्हा के द्वारा कुंभ पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया है। अब कुंभ तो हम जान ही रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है। अच्छा, एक बात और कि CM योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में एक अभी ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक की थी जिसमें एक घोषणा किया गया गंगा एक्सप्रेस वे को लेके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाएगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। अब हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता वाला देश बन गया है? इसका आंसर होगा हमारा अपना प्यारा भारत।
भारत जो है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता वाला देश बन गया है। अच्छा, भारत तो दूसरा देश बना है, तो पहला देश कौन है? तो पहला देश चाइना है। पहला देश चाइना है जो एलपीजी उपभोक्ता वाला देश है। तो भारत में कुल 2.25 करोड़ टन खपत एलपीजी का होता है। और भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है कि हाल ही में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड निर्माण करने वाला देश बन गया है। अब अगला सवाल है, यूएई द्वारा किसे पहला ह्यूमन फेटर्निटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पोप फ्रांसिस तथा ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब। इन दोनों को जो है यूएई द्वारा ह्यूमन फेटर्निटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब एक बात जानते हैं कि जो हमारे ये पोप फ्रांसिस हैं, वह यूएई का यात्रा करने वाले दुनिया के पहले कैथोलिक पोप हैं। इनसे पहले आज तक कोई जो कैथोलिक पोप है वह यूएई की यात्रा नहीं किया था। अब यूएई के बारे में, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की करेंसी दिरहम है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहियान। अच्छा, यूएई में अभी हाल फिलहाल ही एशिया फुटबॉल कप का आयोजन किया गया था, जिसका विजेता रहा था कतर। कतर ने जापान को हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती थी। और दूसरा एक और था कि यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है एबर। अब आज का सवाल है कि नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश कौन है? यह आपको आंसर देना है। और दूसरा सवाल है, किस देश ने हज सब्सिडी ख़त्म करने की घोषणा की है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस देश ने हज सब्सिडी ख़त्म करने की घोषणा की है। अब कल के सवाल का जवाब क्या है? कल हमने पूछा था कि हाल ही किसके द्वारा कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? इसका आंसर तो हम लोग जानते हैं, मनोज सिन्हा ने हाल ही में प्रयागराज में जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया है वहाँ पर पहली बार कुंभ पर एक डाक टिकट जारी किया है। और दूसरा है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर तो हम लोग जानते हैं, अमरावती में जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और यह आप ध्यान रखिएगा कि जो अमरावती है वह आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। वैसे वर्तमान में अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जो संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी राजधानी है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप हमारा वीडियो देखते रहें और इससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। और इस और भी अच्छा अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे अभी जनवरी का जो करेंट अफेयर्स है उसे दो पार्ट में बनाने जा रहा हूं और दोनों पार्ट में 80-80 सवाल होंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।